बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहलान-ए-मेहरा, अस्सलाम अलैकुम। आप लोगों का शुक्रगुजार हैं हम लोग कि आप लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया और जिस जज्बे के साथ किया, ये आने वाला वक़्त याद रखेगा कि वाकई भाई बेलॉन्स और इसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है, बाकी इसमें किसी का कोई ये नहीं कि हम किसी फील्ड में जो हम इनको लालच दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ हमारी सादगी और प्यार को देकर, इन लोगों ने जो प्यार दिए हम भी इंशाल्लाह इससे बढ़कर इनको प्यार देंगे इंशाल्लाह। और इन लोगों ने हमारा जो इस्तकबाल जोश व खरोश के साथ किया, ये आने वाला वक्त जो है ना, ये याद रखेगा कि ऐसे बेलौंस किसी का इस्तकबाल करना आसान काम नहीं है। और लोगों ने जो मसलन आतिशबाजी की है या, और इंशाल्लाह ये तो अभी टेलर छोटा देखा है ना, जब बड़ा देखेंगे ना तो इनको पता चलेगा कि ये इनका तसव्वुर भी नहीं होगा यानी। और इंशाल्लाह आपका तामन रहा हमारे साथ तो ऐसा यानी ये मसाली इलेक्शन होगा कि सदियां याद रखेंगे इंशाल्लाह। और सारी पार्टियां एक तरफ हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो किला छप्पर में यानी खड़ा किया है, ये एक तरफ अकेला है यानी। तो आप अंदाज़ा कर लें, अगर ये सारी पार्टियाँ मिलकर कुछ नहीं कर सकती तो फिर अंदाज़ा कर लें कि में से शराफत में कितनी ताकत है। और इंशाल्लाह आपके जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे वालों ने दिल खुश कर दिया ही नहीं कि वाकई भाई दोस्ती का हक उन्होंने निभाया ही नहीं। और इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे, मैंने जो बात की थी इनके इनकी सनुकड़ियाँ खाली रहेंगी, उसमें मैंने झूठ नहीं बोला था, उसमें 100% सच था यानी। और आगे भी आपको दिखाएंगे, मैंने कह दिया था कि जब देखेंगे तो आप लोग होश वाश आपके उड़ जाएंगे। आप नल के टूटियाँ खम्भे जो मर्जी लेकर दौड़ो, वोट नहीं मिलने वाला, ये लोग ले लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, ये आपको मैं पूरे यानी यकीन से कहता हूँ। और इंशाल्लाह यानी आगे भी आप देखेंगे कि जो बात जमीर साहब करते हैं कभी झूठ नहीं बोलते। हमारा वोटर जितना भी है ना, हमारी शराफत और हमारे ख़ानदान की शराफत की वजह से हमें मिल रहा है। और हमारे साथ जो मर्जी कर लें, हम बर्दाश्त करने वालों में से हैं। अगर हमारे वोटर या किसी को तंग करने की कोशिश किसी ने की, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमको बता दें यानी। ये मत सोचें कि हम इतने सालों से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जब शरीफ आदमी कोई सामने यानी आ जाए ना, उसके आगे 100 बदमाश भी भाग जाता है, ये जहन में रख लेना। क्योंकि हमारे किसी वोटर को कोई आदमी तंग करने की कोशिश ना करें, जिसको कोई प्रॉब्लम है वो फेस टू फेस प्यार के साथ बात करें। और वोटर का पूरा हक है कि वो अपना वोट का हक अदा करें, ताकि आने वाला वक़्त उसको यानी इंशाल्लाह पता चले कि मैंने सही फैसला किया है, गलत फैसला नहीं किया है कि जनाब कोई आदमी उंगली खड़ी करे यानी। और ये आपको यकीन दिला दूँ कि इंशाल्लाह हम भी पूरी भरपूर दिलो जान से हर आदमी का तहफ़ करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमें यानी जो प्यार मिला है ना, हमें पता चल गया है कि लोग अभी तब्दीली चाहते हैं, वो यानी ये नहीं चाहते कि नलका टूटी लेकर बिक जाएं, और नलका टूटी लेकर भी वोट नहीं देंगे यानी। ये आपको बता दूं, आज जितने मर्जी भागो लेकर ले लो, वोट दे दो, लेकिन वोट मिलने वाला नहीं, वोट सिर्फ उमर शफी को मिलेगा और वो शराफत की वजह से मिलेगा और हमारे बुज़ुर्गों की दुआओं की वजह से मिलेगा कि हमारे कबीले ने कभी किसी के साथ ज्यादती करने की कोशिश नहीं की, हमने नुकसान बर्दाश्त करने वालों में से हैं। मैंने आगे भी बता दिया था कि उमर शफी के बारे में लोग कह रहे थे कि उमर शफी हमारे हक में बैठ गया है, बैठ जाएगा, ये आज दोबारा सुन लें, उमर शफी ना बैठेगा ना झुकेगा। अगर किसी को बैठना है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आकर हमारे हक में लान कर सकता है, लेकिन उमर शफी किसी सूरत में नहीं बैठेगा, ये आज दोबारा सुन लें। क्योंकि ये खबरें चला देते हैं कि जी उमर शफीक बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा, इंशाल्लाह ये सब बैठ जाएंगे, उमर शफीक नहीं बैठेगा, ये आज सुन लें दोबारा यानी। इंशाल्लाह उमर शफीक कभी नहीं बैठेगा, अगर ज़िंदगी रही और अल्लाह का फजल रहा तो इंशाल्लाह आपको यानी
ये दिखाएंगे कि जनाब इलेक्शन कैसे लड़े जाता है, और ये मीडिया गवाह है, ये देख रहा है, यानी हम लोग नहीं देख रहे, ये हमारे से ज़्यादा तेज़ है, देख रहा है। जैसे इस्तकबार रात को देखा इन्होंने, इंशाल्लाह इनको पता चल गया है कि इलेक्शन उमर शफीक 100% जीत चुका है, और इंशाल्लाह हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया वालों का और ये यूथ जितनी है सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बेलोन हमें प्यार दिया। ये सबको पता है कि जनाब इसमें एक पैसे की मिलावट मौजूद नहीं है, जो भी बात है ये सच है, और जो वोटर हैं वो भी इंशाल्लाह साबित कदम रहेंगे इंशाल्लाह। ये आप देखेंगे, ये नहीं कि आज इधर और कल इधर, जो रह गए हैं ना इंशाल्लाह ये पित्तल नहीं, ये सोने की तरह रह गए इंशाल्लाह, यानी जितने भी हमारे वोटर हैं उसमें मिलावट नहीं नज़र आएगी आपको, और आगे भी जल्दी हम ऊपरले इलाके में इंशाल्लाह इनको बताएंगे अगले हफ्ते के, यानी किसकी पावर किस तरफ है, यानी क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ये मेरा और रोई और बर्मला, यानी इन्होंने छोटे यानी टेलर देखे हैं, और ये जो रात वाला ये समझेंगे, यानी जो फिल्म चलनी है ना वो इस इलाके में चलेगी, यानी और इंशाल्लाह इससे बढ़कर इस्तकबाल भी होंगे और लोग जज्बे के साथ आएंगे कि जनाब हम उमर शफी को पहली बार यानी इतना जज्बा देखा है लोगों का कि बे लॉन्स। एक होता है कि हमारे पास तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, ना हमारे पास कोई ओहदा है कि हम किसी को, यानी हमारे साथ सिर्फ प्यार और शराफत है, जिसकी वजह से लोग ये पसंद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इनको शुक्रगुजार हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं।